हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आलिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का पहला महीना। पहला महीना क्यों? क्योंकि पहला महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले महीने में हमारे बच्चे का ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है, हमारा बच्चा इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद ग्रो होना शुरू होता है। इसलिए हमारा पहला महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा ही नाजुक होता है। किन किन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है, हमें क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी कितनी लिमिटेड होनी है, हमें फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है, हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है, इन सब बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपका बच्चा ग्रो कर पाएगा। नहीं तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान नहीं रखती हैं तो आपका बच्चा एबॉर्ट हो सकता है, आपके बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है। तो चलिए आज मैं इन सब बारे में डिटेल में बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो एक तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका पीरियड मिस होता है, किट से चेक करती हैं तो वो दो लाइन आते हैं और आप कंफर्म हो जाती हैं कि ये प्रेगनेंसी है। उसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर आपसे पूछती है कि आपको पिछले महीने आपका लास्ट पीरियड कब आया था। लास्ट पीरियड जो होता है वही आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि LMP ही आपका EDD बताएगा कि आपका जो बच्चा अंदर पल रहा है वो उसका डिलीवरी डेट क्या है। ठीक है, तो हम लोग जब पीरियड मिस होता है, जब लास्ट पीरियड आता है उस दिन से काउंट करते हैं कि बच्चा कितने वीक का हुआ है, बच्चा कितना ग्रो किया है, तो उस हिसाब से ही हम आपकी प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं। तो उसके अलावा क्या आप में डायग्नोसिस क्या है कि आपने कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपने किट से चेक किया, उसमें दो लाइन आ गया तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। दो लाइन भी डार्क होने चाहिए, अगर लाइट है या फिर बहुत ज्यादा ही लाइट है तब तो आपको दोबारा 1 वीक के बाद रिपीट करना है, ये देखना है कि डार्क हो रहा है कि नहीं। अगर फिर भी डार्क नहीं आ रहा है तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना है। कई बार क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी लाइट आती है, मोलर प्रेगनेंसी में भी लाइट आती है, तो वो आपको अपनी गायनी से मिल लेना है। उसके अलावा आपको जब आप गायनी के पास जाएंगी तो वो एक ब्लड टेस्ट होता है, अगर आपका दो लाइन अच्छे से नहीं आया है तो वो एक ब्लड टेस्ट होता है, BCG वो करवा सकती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड करवाने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चा का लोकेशन क्या है, बच्चा कहाँ पे ग्रो कर रहा है ये पता चल जाता है। उसके अलावा बच्चे की धड़कन डेवलप हुई है या नहीं, जो कि 4 to 5 वीक के बाद यूजुअली डेवलप कर जाती है, ये पता चल जाता है। तो जब भी आप कंसीव करो तो सबसे पहला काम है अल्ट्रासाउंड करवाना। अल्ट्रासाउंड तो आपको एनी हाउ करवाना है क्योंकि फर्स्ट जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो वो ट्यूब में होता है और ट्यूब से जाके यूट्रस में इम्प्लांट करना होता है। कई बार क्या होता है कि वो ट्यूब में ही रह जाता है और ट्यूब में ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्यूब फट जाती है और वो अगर आपको टाइम पे पता नहीं चले तो वो ट्यूब फट सकती है, क्योंकि ट्यूब की साइज जो होती है 4 mm होती है और अगर बच्चा उससे बड़ा हुआ तो वो ट्यूब फट सकती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होता है, उसके बाद बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का। तो अल्ट्रासाउंड करवाने का क्या है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो एक तो बच्चे की लोकेशन पता चलेगी, दूसरा कि बच्चे में धड़कन आई है या नहीं, जो कि 4 to 5 वीक के बाद आ जाए। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है पीरियड मिस होने से भी पहले, वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम, जो कि पीरियड आने से 1 वीक पहले ही आपको पता चल जाएगा। जब आपको पिंकिस या ब्राउन डिस्चार्ज होगा
जो कि एक दिन के लिए या एक दो घंटे के लिए होता है, उस टाइम उससे भी आप कंफर्म कर सकती हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो इसका मतलब कि आप कंसीव कर गई हैं। उसके अलावा इम्प्लांटेशन क्रैम्प है, जो कि आपको अपने निचले हिस्से में जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के जो निचला हिस्सा है वहां पे आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प पे फील होगा। इम्प्लांटेशन क्रैम्प यूजुअली क्या होता है, एक सेंसेशन होता है जो आपको फील हो सकता है। उसमें बहुत ज्यादा पीरियड पेन जैसा सीवियर पेन नहीं होता है, बहुत ही लाइट पेन होता है, सेंसेशन जैसा होता है, तो वो आप इम्प्लांटेशन क्रैम्प से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन मेन सिम्टम्स है वो क्या है, अर्ली मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग सिकनेस आपको हो सकता है, नौजिया है, वोमिटिंग है, टायर्डनेस है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, फीवरिश फील हो सकता है। उसके अलावा मूड स्विंग्स होना, एसिडिटी होना, एसिडिटी बहुत सारी लेडीज में एसिडिटी भी होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना, फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब बार बार आना, तो ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद टेस्ट चेंज हो जाना, जो यूजुअली आप खाना खा रही होती है वो खाना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सब प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने के बाद ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स आते क्यों है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन जो होता है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है, प्लासेंटा से बनता है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है, तो ये हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर ज्यादा बनना शुरू होता है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जब आपका बच्चा 4 वीक का होगा, 4 to 5 वीक का होगा, आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें बच्चे का गेस्टेशनल सैक पता चलता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का गेस्टेशनल सैक यूजुअली क्या होता है, 6 से 7 mm का ही होता है। जब आपका 8 वीक होता है या 12 वीक होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा महीना होता है, तब उस टाइम बच्चे का गेस्टेशनल सैक 22 से 23 mm का होता है, तो आप समझ सकती हैं कि बच्चा कितना छोटा रहता है। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आपको प्रेगनेंसी में पपाया पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके बेबी का एबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपके बेबी के ग्रोथ के लिए इंजरियस हो सकता है, इससे आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो आईक्यू लेवल है वो कम हो सकता है, आपकी बेबी के हेल्थ ओवरऑल हेल्थ के लिए ये इंजूरियस होता है। इसके अलावा आपको क्या लेना है ये मैं बता दूं कि आप हरी सब्जी ज्यादा ले, फाइबर रिच डाइट ले, जिसमें ज्यादा फाइबर हो वो डाइट आप लेना शुरू करें। अगर आप नॉनवेज खा रही हैं तो नॉनवेज ले सकती हैं, लेकिन वो अच्छे से उबला हुआ हो। इसके अलावा आपको मिल्क प्रोडक्ट लेना है, मिल्क प्रोडक्ट में पनीर लीजिए, मिल्क ज्यादा से ज्यादा लीजिए, दही लीजिए, ये सब आपके बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, तो ये सब चीज आप ले सकती हैं, नट्स ले सकती हैं, लेकिन नट्स ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में लेंगी तो फिर उससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए नट्स जो है लिमिटेड अमाउंट में ही लें। उसके अलावा बीन्स है, बीन्स आप लीजिए, बीन्स भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, वाटर इनटेक अगर कम होगा तो फिर आपको आगे जाके आपकी लाइकर यानी कि बच्चे में भी पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वाटर लेंगे वो एब्जॉर्ब होके वो बेबी में उतना जाएगा, तो आपका वाटर इनटेक भी अच्छा होना चाहिए। आप नारियल पानी ले सकती हैं, नारियल पानी भी अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, बेबी के हेल्थ के लिए। इसके अलावा बनाना लीजिए, बनाना लेने से आपकी कैलोरीज मेंटेन होगी। यूजुअली हम बोलते हैं कि जो आपके नॉर्मल दिनों में आपकी जो कैलोरीज है उससे 300 कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, तो इसलिए आप बनाना ले सकती हैं, बनाना से कैलोरीज आपका मेंटेन हो जाएगा, तो बनाना लीजिए। फ्रूट्स में एप्पल लीजिए, ये सब आपके बच्चे के हेल्थ के लिए है। पोमीग्रेनेट है, इससे आपको आयरन की भी डिफिशियंसी नहीं होगी, तो ये सब आप ले सकती हैं। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड करनी होगी, हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना होगा, फिजिकल रिलेशनशिप शुरू के 2 से 3 महीने अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको जर्क अगर ट्रेवलिंग कर रही है तो जर्क ज्यादा नहीं होना चाहिए रास्ते में, तो जर्क से भी बचना है।
खुद को जंक से बचाना है, उसके अलावा बहुत ज्यादा जल्दी में सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं है, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है शुरू के 2 से 3 महीने में। इससे क्या होगा कि आपके मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके अलावा हम जब बेड रेस्ट ज्यादातर उन्हीं को बोलते हैं जिसमें ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो या फिर उसका प्लासेंटा लो लाइन हो, तो हम उसमें बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग नहीं है, प्लासेंटा लो लाइन नहीं है, तो फिर हम उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बोलते। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, एकदम अचानक से नीचे नहीं झुक के उठना है या फिर भारी वजन नहीं उठाना है, तो ये सब चीजें हम शुरू में ज्यादातर अवॉइड करने बोलते हैं ताकि मिसकैरेज का चांस ना के बराबर हो जाए। इसके अलावा आपको एक्सरे प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको एक्सरे नहीं करवानी है। एक्सरे अगर किसी का हो भी रहा हो तो वहां भी आसपास नहीं रहना है, क्योंकि वो जो रेज निकलता है वो आपके बेबी में डिफॉर्मिटी कर सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुद को ज्यादातर खुश रखना है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में निगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन क्या है कि शुरू के जो 1 से 3 महीने के बीच का जो पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो कि हमें कंसीव करना है या फिर आप कंसीव कर गए हो, तो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। अगर आप प्लान भी कर रहे हो कि इस 1 महीने में 2 महीने में हमें बेबी प्लान करना है, तो आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके बच्चे में जन्मजात विकृतियां होने से बचाती है, जिसको हम स्पाइनल बाइफिडा बोलते हैं। ये वो स्पाइनल बाइफिडा होने से बचाती है और इससे हमारे बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है, बेबी के आईक्यू लेवल अच्छी होती है। तो आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट इसमें दिया जाता है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो प्लस माइनस में होता है, जैसे अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा पेल्विक पेन हो रहा है या फिर आपके यूट्रस के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हार्मोनल मेडिसिन है वो हम प्लस माइनस रखते हैं। जब आप अपना सिम्टम्स बताती है उस हिसाब से हम वो मेडिसिन ऐड करते हैं। और नौजिया और ओमेटिंग के लिए हम ज्यादातर ओंडेंसेट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये मेडिसिन, दो मेडिसिन है, या तो आपको नौजिया ओमेटिंग के लिए या फिर फोलिक एसिड, ये दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होता है। उसके अलावा जो हार्मोन्स के मेडिसिन होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। आप अगर सिम्टम्स बताएंगे तो उस हिसाब से हम फिर वो मेडिसिन ऐड करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के, कंसल्टेंट के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगी, और किसी भी डॉक्टर के पास आप विजिट करें तो उन्हें जरूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो उस हिसाब से फिर वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 से 3 महीने का, इसमें हम सिर्फ फोलिक एसिड ही देते हैं, और वो उल्टी है तो उल्टी के लिए दे दिए। इसके अलावा जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तभी हम उसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं। तो ये रही आज की हमारी प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना के बारे में पूरी जानकारी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस और बनाने का। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपकी जानकारी के लिए और भी बनाऊंगी। थैंक यू।